आज 15 तारीख के दिन उल्लासनगर 5 कैलाश कॉलोनी से शिवसेना पार्टी के प्रत्याशी और महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर बालाजी केनीकर ने अपने ओर से एक रैली का आयोजन किया। इस भव्य रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग देखे गए थे। शिवसेना पार्टी के नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और भाजपा पार्टी के और शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में देखे गए। जगह जगह बालाजी केनीकर का लोगों ने स्वागत किया। उल्लासनगर 5 में जब बालाजी केनीकर की रैली पहुंची तो तमाम सिंधी समाज के लोगों ने और सिंधी समाज के व्यापारियों ने बालाजी केनीकर का वहां पर भव्य स्वागत किया। आइए देखते हैं किस प्रकार की बालाजी केनीकर की रैली रही। माहौल जो बना हुआ है, बालाजी केनीकर काफी दो बार भी पहले चुन के आए लोगों ने, उनको सराहना है। आप आज इस रैली के बारे में क्या कहेंगे? ये जो रैली निकली है ये हमारे महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर बालाजी केनीकर, इनके प्रचार के लिए ये रैली निकली है। मैं हमारे मतदाताओं से अपील करूंगा कि आने वाले 21 तारीख को होने जा रहेला ये विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में आप सब हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर बालाजी केनीकर, इनको बहुमतों से विजय बनाइए, ऐसी अपील मैं ये लोगों से और मतदाताओं से करता हूँ। सर, उल्लासनगर 5 में सिंधी समाज के लोग, उसमें कुछ लोगों की बालाजी केनीकर से नाराजगी है, उन लोगों की आप नाराजगी किस प्रकार दूर करेंगे, उनको किस प्रकार का आप आश्वासन? डॉक्टर बालाजी केनीकर पिछले दस साल से यहाँ पर MLA है और उन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि बाकी के विधानसभा क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया, उससे ज़्यादा काम डॉक्टर बालाजी केनीकर ने यहाँ पर किया है। और उनकी जी किसी की नाराज़गी है वहाँ पर मैं खुद जाकर लोगों की नाराज़गी दूर करने का काम करूँगा। और युति के उम्मीदवार होने के नाते सब युति के लोग यहाँ पर मौजूद है और ये युति के सब लोग यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, उल्लासनगर शहर से भी बालाजी केनीकर को समर्थन है। बालाजी केनीकर ये हैट्रिक लगाने वाले हैं। बालाजी केनीकर जीत जाते हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनती है तो बालाजी केनीकर को आप मिनिस्टर बनाएंगे? मिनिस्टर बनाना ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने आशीर्वाद दिया, पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मंत्री बन सकते हैं। जनता के आशीर्वाद के ऊपर सब डिपेंड है। धन्यवाद चौधरी साहब। 40 अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र उल्लासनगर 5 येथे डॉक्टर बालाजी केनीकर यांची रैली निघालेली आहे। उत्स्फूर्तपणे असा नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे आणि या रैली मध्ये येथील स्थानिक सर्व नगरसेवक सहभागी झालेले आहेत, BJP चे नगरसेवक सर्व सहभागी झालेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने युतीचं दर्शन येथे होत आहे। आणि निश्चितपणे महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर बालाजी केनीकर हे निश्चितपणे सर्वांच्या सहकार्याने विजयी होतील। मैं सभी सिंधी समाज के भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अर्पित करता हूं कि उन्होंने मुझे गए 10 साल मुझे प्यार मोहब्बत बहुत दिया है। उसके वजह से ही मैं दो बार मैं यहां पे आमदार बन चुका हूं। वापस उनके आशीर्वाद से मुझे हमारे महायुति के सभी नेताओं ने मुझे यहां पे वापस मुझे चांस दिया और यही सभी हमारे उल्लासनगर अंबरनाथ के सभी लोगों का सेवा करने का मौका वापस मुझे दिया है। हमारे सभी BJP के नगर सेवक रवि पाटिल है, मीना सोंडेताई है, वनवारी साहब है, राजा गमनानी है, हमारे जिला प्रमुख लांगे साहब है,
हमारे उप शहर प्रमुख परशुराम पाटिल, सभी हमारे भाजपा के संगठक, विभाग संगठक सभी यहाँ पे मौजूद है। मुझे खुशी है हम सब महायुति के जीतने की जो जोर शोर से कोशिश चालू है और हम लोग जीत के आएंगे। ये हमारी आप लोग सभी के आशीर्वाद से हमारी जीत पक्की है, ऐसा हमें यहाँ लोगों के प्यार से पता चलता है। आरपीआई और मित्र पक्ष इनके जो युति के जो कैंडिडेट है हमारे डॉक्टर किनिकर सर, वो हमारे एरिया के लिए नए नहीं है, इसीलिए उन्हें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। बीजेपी के सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी इस रैली में शामिल है और जल्लोष मना रहे हैं और आज से ये डन है कि साहब आप जीत गए हैं और आगे आपको और डेवलपमेंट करनी है। बालाजी किनिकर के लिए एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि वो एक हार्मलेस एमएलए हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी का कुछ भी हार्म नहीं किया है और डेवलपमेंट में हमेशा आगे आए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नानक देव की। आज हमारे बीच में डॉक्टर बालाजी केनिकर साहब उपस्थित हैं और हमारे लांडगे साहब ने जो ये रैली निकाली है, सब भाई और बहनों को अपील करने के लिए आए हैं कि 21 तारीख को आप अपने सभी कीमती वोट धनुष बाण को देकर हैट्रिक तीसरी बार डॉक्टर बालाजी केनिकर साहब को जिताएंगे। और मैं हमारे चौधरी साहब को तो रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लांडगे साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तीसरी बार ये चुन के जा रहे हैं, आप कोशिश करेंगे तीसरी बार ये मंत्री जरूर बने, ऐसी हमारी ये इलाके की पूरे कंस्टिट्यूएंसी की डिमांड है कि केनिकर साहब इस बार जब आमदार तो शोर बनेंगे ही बनेंगे आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन मंत्री भी बनेंगे। इन्होंने गए 10 वर्षों में अमरनाथ की काया पलट की है, 5 नंबर और 4 नंबर पे ध्यान कम दिया है। इस दफे उन्होंने वादा किया है कि इस बार चुन के आने के बाद मैं अपना 1 रुपए का भी फंड अमरनाथ में नहीं देके पूरा 5 नंबर और 4 नंबर 25 सेक्शन तक दूंगा और जो भी विकास के काम है वो यहाँ पर मैं करूँगा। और हम भी चाहते हैं कि जो काम इधर नहीं हुए इस 5 वर्षों में होंगे, ताकि हम जब दूसरी बार चौथी बार आमदार साहब के लिए वोट मांगने के लिए आए तो उल्लासनगर 5 और 4 नंबर के 25 सेक्शन तक 1 रुपए का भी काम बचेला नहीं होगा, ऐसा आश्वासन हम बालाजी केनिकर साहब से ले चुके हैं और ये वादे के पक्के हैं। मुझे पता है जबान देते हैं तो निभाते हैं। सभी लोगों से, भाइयों बहनों से विनती है कि इनको भरी लीड से जिताएं, रिकॉर्ड वोट, महाराष्ट्र में इनकी लीड पहली नंबर आनी चाहिए, ऐसे मतदान होने चाहिए। सभी लोग निकलेंगे उस दिन और मतदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय भीम। आज जो महायुति की ये जो इलेक्शन को देखते हुए यात्रा निकली है उसमें पूरे शहरवासी, भरपूर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कैंडिडेट श्री बालाजी केनिकर और महायुति के कैंडिडेट के साथ जुड़े हुए, हमें पूरा विश्वास है कि शहर की जनता ज़्यादा से ज़्यादा मत देके महायुति के उम्मीदवार श्री बालाजी केनिकर को जिताएंगे और भारी बहुमत से वो जीत के आएंगे। धन्यवाद।